आदाब, मैं हूं अहमद सलमान। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे नेता अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर शिलान्यास में भाग लेंगे। इसी के साथ जो है विवाद स्टार्ट हो गया और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मुद्दे पर बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर आउटलुक मैगजीन को एक इंटरव्यू असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए वो आपको बताते हैं। ओवैसी ने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पीएम मोदी को ये साफ करना चाहिए कि वह अयोध्या देश के पीएम की हैसियत से जाएंगे या फिर आम नागरिक के तौर पर पहुंचेंगे। AIMIM प्रमुख ने आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू में आगे कहा कि बाबरी मस्जिद है और वह हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हम नई पीढ़ी को ये बताते रहेंगे कि हमारी मस्जिद को ढा दिया गया। वैसे आगे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये निर्णय आता। इतिहास याद रखेगा कि दिसंबर 1949 में क्या हुआ था, जब मस्जिद में प्रतिमाएं रख दी गई थी। इसके बाद 1992 को विध्वंस हुआ। जहाँ तक मुस्लिमों और न्याय में विश्वास रखने वालों की बात है, तब हम नई पीढ़ी को बताते रहेंगे कि मस्जिद हमारी थी जिसे ढाया गया। अगर हमारी आवाज़ दबाई जाएगी तो ये मुद्दा नहीं है, हम इसे दूसरे अंदाज में बताएंगे। तो देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी पर सवाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। देश सेकुलर है तो देश का प्रधानमंत्री भी सेकुलर है, देश के संविधान के हिसाब से। अगर पीएम मोदी वहाँ जाते हैं अयोध्या, तो किस तौर पर जाते हैं, पीएम के तौर पर जाते हैं या आम नागरिक के तौर पर जाते हैं, ऐसा उन्हें देश को बताना चाहिए कि वो किस रूप में वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद पर कहा है कि वो इसे मस्जिद मानते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो बताते रहेंगे कि उनकी मस्जिद को ढाया गया है। आप इस मुद्दे पर और आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, ये भी जो है हमको बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।